गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर वापस आने के बाद ना चारों तरफ सिर्फ काम ही काम दिख रहे हैं। एक दिन भी अगर आप घर की साफ़ सफाई ना करो ना तो घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं तो वापस 4-5 दिन के बाद आ रही हूँ, तो घर गंदा तो होना ही था। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है ना कि मैंने आते के साथ थोड़ा बहुत घर को समेट लिया था, जिस वजह से ना आज मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मतलब ये ना, कल दिन के 11:30 बजे जैसा मैं घर पहुंच गई थी, और घर आने के बाद फ्रेश और सब होकर मैंने दोपहर सबका खाना बनाया, और उसके बाद शाम में जो थोड़ा बहुत टाइम मिला ना उसमें अपने घर को मैंने रीसेट कर लिया था। मतलब जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था ना उसे समेट लिया था, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो अभी फटाफट कर लेते हैं। तो कपड़े बहुत सारे धुलने के लिए थे तो उन सबको धोकर बाहर सूखने के लिए डाल दिया है, और कुछ कपड़े ऐसे हैं ना जो यूज ही नहीं हुए हैं तो उन्हें वापस वार्डरोब में रख देती हूँ, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वार्डरोब को अरेंज भी कर दे रही हूँ। क्योंकि होता ये है ना कि जब भी हम वार्डरोब से कपड़े निकालते हैं या फिर वापस उसे अंदर डालते हैं ना, तो इस चक्कर में ना थोड़े बहुत कपड़े उलट पुलट हो जाते हैं, जिससे वार्डरोब मैसी लगने लगता है। तो जब भी इस तरीके से कपड़े अरेंज करती हूँ ना वार्डरोब में, तो एक बार वार्डरोब को भी अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, जिससे दो काम होते हैं कि कपड़े भी अच्छे से सेट हो जाते हैं अंदर, और वार्डरोब भी है ना अच्छे से वापस से व्यवस्थित हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। वार्डरोब को मैंने अरेंज कर लिया था, साथ ही साथ जो कपड़े थे उन्हें भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। और ये कुछ बैग और थैले देख रहे हैं ना, इसे मुझे रखना है वार्डरोब के ऊपर वाले हिस्से में। और बच्चे भी उठ गए हैं, योग उठ कर आ गया है, और इसकी कल जो तबीयत ख़राब हुई थी ना, क्या मैं बताऊँ, पता नहीं खाना कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया था या फिर गर्मी की वजह से पता नहीं वोमिटिंग अचानक से स्टार्ट हो गई थी। और बच्चों की तबीयत जब ख़राब होती है ना तब आपको और दूसरा कोई काम दिखता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे ही आपके आँख के सामने रहते हैं, और बहुत टेंशन होती है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो कल इतनी ज़्यादा हैरान परेशान रही ना, एक तो आने के बाद थकावट थी ही, ऑलरेडी घर के काम थे ही, और ऊपर से शाम होते ही इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो सच में समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, बट मेडिसिन थी सो मैंने दिया, तो थोड़ा सा कंट्रोल उसके बाद हुआ। लेकिन रात भर मैं उठ उठ के देख रही थी, क्योंकि जब बच्चों की ऐसी तबीयत ख़राब होती ना तो आपको नींद आनी ही नहीं है। लेकिन अब जाकर फाइनली वो ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो अब जाकर मैं भी निश्चिंत हुई हूँ। और चलिए अब बेड को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि वार्डरोब के ऊपर वाले हिस्से में जो भी बैग थैले रखने थे वो सारे मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। बस बेडरूम को थोड़ा सा क्लीन करना है, बेड को थोड़ा सेट करना है, तो वो फटाफट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ना जो कुछ ब्लैंकेट बाहर रखे हुए हैं ना उन सबको बेड बॉक्स के अंदर डालूंगी, क्योंकि बाहर रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, और ये बाहर ऐसे ही रखे रखे ना गंदे हो जाने, और अब होली के बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि इनकी तो ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए इसे रखते हैं बेड बॉक्स के अंदर, एक यहाँ डालूंगी क्योंकि ये वाला जो बेड का बॉक्स है ना ये ऑलरेडी पूरा फुल है, तो यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो एक मैंने यहाँ डाला है जो थोड़ा सा हेवी ब्लैंकेट था, और ये जो मीडियम साइज वाले ब्लैंकेट है ना इसे रखने वाली हूँ बच्चों के बेडरूम में जो बेड है ना उसके बॉक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्पेस है तो वहाँ अच्छे से ये आ जाना है। और एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे हमेशा होती है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना उनके उनको कहाँ रखूँ, क्योंकि एक ही वार्डरोब है पूरे घर में, मैंने कई बार कहा है, तो जिसके चलते ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो वार्डरोब पूरा फुल है ऊपर से नीचे, तो अगर एक्स्ट्रा और कुछ चीज़ें हैं ना तो उन्हें रखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वापस बेड बॉक्स के अंदर ही जाता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से सोच समझ के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट भी हो जाए और बाहर बिखरी हुई भी ना दिखे। तो दोनों ब्लैंकेट ना इस बेड के बॉक्स के अंदर बहुत अच्छे से आ गए थे, और इस बेड में मुझे बेडशीट भी डालनी है, क्योंकि जो बेडशीट मैंने डाल रखी थी ना वो थोड़ी गंदी हो रखी थी। मैंने कहा ना युग को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी, तो बेडशीट में भी थोड़ी बहुत हो गई थी, तो इसलिए उसे मुझे रात में ही उठाना पड़ा। तो अभी मुझे उसमें दूसरी वाली बेडशीट डालनी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि नहा हुआ लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद फिर बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि घर एक बार अच्छे से साफ़ हो गया ना उसके बाद जो और अदर काम है ना वो आप आराम से कर लोगे। तो मैंने ना मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि घर की साफ़ सफाई ऑलरेडी हो रखी थी, डस्टिंग मैंने कर रखा था, बस मॉपिंग बची हुई थी, तो वही मैं मॉपिंग कर दे रही हूँ फटाफट, ताकि सही मायने में घर पूरी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो
दिन का जो सबसे बड़ा काम होता है ना, घर की साफ सफाई, वो फाइनली कंप्लीट हो गई थी। और अब जाकर मैं निश्चिंत भी हो गई हूँ कि घर मेरा पूरे अच्छे तरीके से साफ हो रखा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो सावर मैंने ले लिया था और आज ना 3-4 दिन के बाद घर में पूजा भी हुई, क्योंकि नहीं थी तो घर में पूजा कौन करेगा, घर में पूजा नहीं होने से ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके मैं आ गई हूँ अभी दोपहर का खाना बनाने। तो वही मैं चावल चुन रही थी, तो ये चावल ना गंदा वैसे है नहीं, प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि जब ये थैले में चावल ला रहे थे ना तो वो थैला सीढ़ी में गिर गया था, तो थोड़े बहुत चावल ना सीढ़ी में गिर गए थे, तो उन चावलों को हमने उठाया है। अच्छा, इस पर भी कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि सीढ़ी पे गिरे हुए चावल आप यूज क्यों कर रहे हो, वो तो गंदे हो गए हैं। तो जी मैं क्या, कोई अगर मेरी जगह दूसरा भी रहता है ना तो इतने सारे चावल को ना तो छोड़ सकता था ना ही फेंक सकता है, और वैसे भी ना अन्न का निरादर कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक बार अच्छे से उसे देख लिया कि कहीं कुछ गंदा तो है नहीं, क्योंकि सीढ़ी पे गिरे हुए हैं मैं मान रही हूँ, लोग आना जाना करते हैं तो थोड़ी बहुत गंदगी होनी है। लेकिन चावल ना बिल्कुल साफ था, बिल्कुल गंदगी नहीं थी, थोड़े बहुत कंकड़ थे तो वो मैंने चुनकर निकाल दिए थे और 2-3 पानी अच्छे से मैंने धो दिया है और भात बनाने के लिए बैठा दिया है। और कुछ सेम ना फ्रिज में रखे हुए थे जो 1 सप्ताह से ऊपर हो गए हैं लाए हुए, तो वही सोच रही हूँ आज इसे बना दूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े ना ये सूख रहे हैं और ताज़ी सब्जियाँ ही ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्रिज में रखे रखे ना, उनका टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। लेकिन मेरे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं ना जिसे बच्चे बिल्कुल छूते तक नहीं है, इसलिए मुझे बनाने का मन भी नहीं करता है, जैसे सेम है वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो वही थोड़े बहुत सेम थे तो उसे चुनकर मैंने कट कर दिया है कि सरसों देकर बस हल्का सा फ्राई कर दूँगी, मसाला नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस बेडरूम में बेडशीट लगाने के लिए, मैंने कहा था ना कि जो बेडशीट मैंने डाल के रखी थी उसमें युग ने वोमिटिंग कर रखी थी, सो वो गंदा हो रखा था, तो बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। तो ये वाली बेडशीट मैंने निकाली है आज, और ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो साइज काफ़ी अच्छी खासी है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, और वाइट है ना, वाइट बेस वाली जो भी बेडशीट होती है ना बहुत अच्छी लगती है, रूम में 4 चांद सा लग जाता है। तो वही ये वाली बेडशीटें आज मैं इस रूम में डालने वाली हूँ, और इस रूम के साथ इस बेडशीट का कॉम्बिनेशन अब बहुत अच्छा जाता है। फाइनली रूम सेट हो गया था, बेडरूम बहुत प्यारा लग रहा था, और वो भी सिर्फ एक बेडशीट की वजह से। जी हाँ, एक बेडशीट लगाने के बाद ना इस रूम की रौनक ही एकदम चेंज सी हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ युग के जो बुक है ना उनमें कवर चढ़ाने के लिए, क्योंकि बुक लाए हुए मुझे लगता है 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था कि कवर लगा पाऊँ। और दूसरा रीज़न ये भी है ना कि बहुत बोरिंग काम लगता है कवर लगाना, और जो काम आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है ना उसके लिए आपको बहुत अच्छे से रेडी होना पड़ता है। तो वही यार, बहुत सारे कॉपी किताब एंड बुक है, तो फटाफट चलिए कवर लगाते हैं इसमें, ये रहने से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, बट ये है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा काम। और आज पूरा दिन ना ऐसे ही निकल गया, मतलब कुछ ना कुछ काम पड़े हुए थे और जिसे करना भी ज़रूरी था, जिसे हम टाल भी नहीं सकते हैं। और ऐसे करते करते ना अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी भी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कवर चढ़ाने के बाद मैं रिलैक्स करने वाली हूँ, इसके बाद ना जो शाम वाले काम है ना वो स्टार्ट हो जाने हैं। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।